गुड मॉर्निंग गाइस, पहुंच चुके हैं कैनबरा और अभी इस टाइम बैठे हुए हैं समीर के घर पे। कल पहुंचे थे और वो जो बर्ड मैं अपने साथ लेके आया था, हाफ द रीज़न जिसकी वजह से मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सका, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल सा सिनेरियो क्रिएट हो गया था। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमें रास्ते में रुकना पड़ा, तकरीबन 4-5 दफ़ा हम रुके टू ट्रीट द बर्ड, बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट इट हैज़ सर्वाइव्ड द नाइट। उस बर्ड ने एक रात सर्वाइव कर ली है, विच इज़ एन अमेजिंग न्यूज़, और अब हमें लगता है कि शायद वो सर्वाइव कर जाए। समीर मेड मी अ फ्रेश कॉफ़ी विच इज़ अमेजिंग। कम लेट्स गो एंड आई विल शो यू कि उस बर्ड की क्या सूरत हाल है। तो आप देख सकते हैं उसके हाथ पे बुरी सी चोट लगी हुई है, बट फॉर हिम बींग अलाइव आई थिंक इट्स अ गुड साइन, और आई होप कि ये जो है सर्वाइव कर जाएगा। तो अब जो है वो बाकी के देख दिन का आपको मैं बताता चलूँ कि आज ही का दिन है जिसमें हमें जो भी करना है वो करना है, उसके बाद वापस जाना है। तो बताने से बेहतर है कि रोड पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे नाश्ता डॉबिनसन से, और डॉबिनसन पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के जो हलाल पाइज हैं और स्पेनिश एंड चीज़, यू नो बहुत मज़े के स्पेनिश एंड चीज़ रोल्स मिलते हैं। इट वॉज डिलीशियस, बहुत मज़ा आया यार। मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा ब्रो, सही बता ना। अच्छा क्या कहते हैं डेली व्लॉगिंग के बारे में? देखो मेरा आइडिया ये है कि यू शुड रियली लुक इनटू क्रिएटिंग डेली व्लॉग्स। सही है, मेक अ चैलेंज फॉर योरसेल्फ कि यार फॉर द नेक्स्ट 60 डेज और नेक्स्ट 90 डेज फॉर एग्जांपल आई वुड पुट अ व्लॉग एवरी डे। व्हाट इट विल डू इज आई थिंक पर्सनली आई हैव लाइक देखा है और मैंने नोट भी किया है कि आई थिंक पीपल लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ एज वेल, सो दिस विल हेल्प यू क्रिएट लाइक एन ऑडियंस फॉर योरसेल्फ। Absolutely guys, this is the feedback, this is the kind of a feedback I would really consider, so I will you know really try doing that as well। Comment karke mujhe bataye ki if that's really going to be something that is worth it, kya log waqai daily vlogs dekhna pasand karte hain ya wo bore ho jaate hain? Your life is not like a average Australian life, right? You're not living in a city, you're living in an area which a lot of people haven't explored, so how do people live there, tumhare daily activities kya hoti hain, what you do, what time do you wake up and all of that kind of stuff, it's kind of something which is new as well। aap canberra aaye aur parliament house na aaye, jamhooriyat ka husn ye hai ki aap jab bhi australia ki capital canberra aaye, it's free and it's open to everybody ke aap apne jo bhi you know hukumati buildings hain unko aake फ्री विज़िट करें, कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं, कोई रोक धोक नहीं, बिल्कुल ईजिली एक्सेसिबल है पार्लियामेंट हाउस। तो वाइल आई एम हेयर आई विल बी गिविंग यू गाइज अ टूर टू द पार्लियामेंट हाउस इन ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज पार्लियामेंट हाउस के अंदर एंट्री तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन अंदर आते हुए आपको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद आप अंदर आते हैं, और अंदर आके आप कहीं की भी वीडियो बना सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं। पार्लियामेंट हाउस और सेनेट के अंदर जाके अगर इजलास चल भी रहा हो तो उसमें भी बैठ सकते हैं, लेकिन आज कोई इजलास नहीं हो रहा। जब सोफ़ा आपके अपने टैक्स के पैसों का हो ना तो बंदा इस तरीके से लेटा होता है सही। कैसे ऐसा लेट के बताएगा सही? हाँ जब टैक्स आपने पूरा दिया हुआ और आप हुकूमती बिल्डिंग में हो। कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल भी है, सन 1913 में एक कंपटीशन हुआ था जिसमें वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन नामी एक आर्किटेक्ट ने ये कंपटीशन विन किया था, एंड ही वाज एन आर्किटेक्ट जिसने ये शहर को डिज़ाइन किया। तो अगर आप कैनबरा के शहर को मैप पे देखें तो वो आपको देखने से ही पता चलता है दैट इट हैज़ बीन प्रोफेशनली डिज़ाइंड। ये है ऑस्ट्रेलिया की सेनेट, और यहाँ पे मुल्क के बड़े बड़े फैसले होते हैं। आज सेनेट हाउस में कोई सेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन यूजुअली हम जैसे लोगों को यहाँ पे फ्री एंट्री मिलती है, विच मींस कि हम लोग किसी भी वक्त ऑस्ट्रेलिया की सेनेट को आके अटेंड कर सकते हैं। इट्स अ राइट दैट एवरी सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज़।
ये है पार्लियामेंट हाउस, सिर्फ कलर का फर्क है, बाकी दोनों में मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नज़र तो नहीं आया। गाइस यहाँ पे आप देखें कि माइलस्टोन्स क्या हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने अचीव किए। 1884 में एस्टेब्लिश द विक्टोरियन वुमेन्स सफ्राज सोसाइटी एंड द फर्स्ट सफ्राज सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में वुमेन्स के वोट की जो है वो एक मुहिम शुरू हुई थी 1884 से। बिटवीन 1910 टू 1912 के बाद जाके खातून लोगों के लिए, मतलब फीमेल्स के लिए यहाँ पर वोटिंग के उनको राइट्स मिले, विच इज़ यू नो एन अमेजिंग पार्ट ऑफ द हिस्ट्री हियर। एंड इन 1921 द फर्स्ट वुमन इलेक्टेड टू द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट एंड दैट वाज हर एडिथ कोवन इन 1921। गाइस आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। वन डे ट्रिप था कैनबरा का एंड उसमें जितना चीज़ें कवर कर सका था किया। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू लीव। अब हम वापस जाएंगे लीटन और वहाँ पे जाके कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस बर्ड के ऊपर अपडेट दूंगा कि हाउ इज़ ही डूइंग। तब तक के लिए साइनिंग आउट ऑरन के व्लॉग्स।